23 फरवरी से झारखंड विधानसभा में शुरू हो रहे बजट सत्र की कार्यवाही में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं, इस पर आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट का फैसला आना है। मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बजट सत्र में मनी बिल पेश होता है, ऐसे में सदन में उनका शामिल होना जरूरी है। उन्होंने पूर्व में विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन का हवाला देकर कहा कि कोर्ट ने दोनों को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी थी, इस वजह से हेमंत सोरेन को भी बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। कहना था कि ये बजट सेशन है और पूर्व की तरह जैसे फ्लोर टेस्ट के लिए हमें अलाउ किया गया था 3 फरवरी के आदेश में, इसी कोर्ट के द्वारा हमारे 5 फरवरी को हमारा फ्लोर टेस्ट में हमको परमिशन दिया गया था। उनका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उस समय भी था लेकिन हमें परमिशन मिला था। तो इस बार भी जो ये बजट सेशन है, मनी बिल है, हर दिन मनी बिल में वोटिंग होता है और वोटिंग बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि मनी बिल का वोटिंग एक कॉन्फिडेंस वोट भी होता है गवर्नमेंट का। तो ये 5 दिन का ही सत्र है, बजट सेशन में हमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, वोट करने के लिए परमिशन हमने डिमांड किया है कोर्ट से। और ये सारी नलिन सोरेन, ढुल्लू महतो जो बीजेपी के ही विधायक हैं, इनको भी परमिशन मिला था और वो आए थे कोर्ट में यहाँ पर असेंबली में। सभी का परमिशन का और डिफरेंट कोर्ट्स के ऑर्डर का हमने जिक्र किया है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था ईडी की तरफ से, उनके तरफ से दिल्ली से वकील थे, उन्होंने अपना बहस किया लेकिन सभी किसी भी बिंदुओं पे वो इसलिए नहीं ठहरता है कि जो 62(5) का जो प्रोहिबिशन है वो सिर्फ MP और MLA इलेक्शन का वोटिंग के लिए होता है प्रोहिबिशन। ये जनरल प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली के लिए वो धारा लागू नहीं है। पिटीशन पे हमने काफ़ी अपना जोर दे के आज अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है, कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।